हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, सीताराम सबको। आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखो, सुबह सुबह में मेरा काम हो गया है, 7 बजे है। तो बर्तन भी धो दिए है, भैंसों को चारा भी डाल दिया है, तो बहुत सारा काम कर लिया है सुबह सुबह में। और सुबह सुबह में ये खेत में पानी लगा के आए हैं, लाइट चली गई है, इसलिए सुबह में 6 बजे उठे थे, तो अभी 7 बजे हैं, तो 1-1.5 घंटे लाइट रही और फिर चली गई। तो ये घर वापस आ गए हैं, फिर से आएगी तब पानी लगाएंगे। तो मैं भी अब जा रही हूँ खेत में, और भिंडी की सब्जी है ना, उसमें चारा हो गया है, वो भी कब का बाकी रह गया है ना, वो इसको उखाड़ दूंगी। तो वहाँ मैं खेत में जा रही हूँ, और अभी ये आ गए हैं। मैंने इनको खेत में ही चाय दे दी थी, ये बाल से ही कर रहे हैं, देखो के मेरे में देख के बाल तो जड़ गए, ऊपर से निकल गए, निकल गए हैं। और ये सुबह में 6 बजे उठ के चले गए थे, तब वो दातुन भी ब्रश ब्रश करके नहीं गए थे, नीम का दातुन लेके फिर इन्होंने कर लिया था खेत में ही। तो ये तो अच्छा है, खेत में काम करो और दातुन भी कर लो, चाय भी पियो, तो ये सब हो जाता है। तो अभी तो ये यहाँ पर काम चल रहा है इनका, देखो कुछ कुछ भिंडी इन्होंने बीच से निकाल दी है ताकि ये अच्छे से बड़ी बड़ी हो जाए। ये देखो हो गई है ऐसे तो बड़ी बड़ी, लेकिन ज़्यादा नज़दीक नज़दीक था तो इन्होंने निकाल दिया बीच बीच से। और ये कई दिनों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, डेली डेली थोड़ा थोड़ा करती है। ये खेत इसको दे दिया है हमने सब्जी वाला। तो ये तो अभी एक हफ्ता हो गया, काफी साफ सफाई इन्होंने कर दिया है, फिर भी अभी भिंडी कब तक लगेगी वो पता नहीं। सब्जी खानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये कुछ बोल रही है बैठ के तो अभी मेरे ख्याल से और 10-12 दिन और लग जाएंगे इसमें, ये तो आज खत्म हो जाएगा भिंडी लगने में, काम का नहीं बोल रहा हूँ और वहाँ पर मोटर चल रही है और मैं चलता हूँ, ये अपना काम यहाँ करती रहेगी। पास नहीं आऊँ अब, तो यहाँ पर पानी, सुबह से ही मैं पानी लगा रहा था, जल्दी उठ गया था आज थोड़ा, तो इस वाले खेत में अभी पानी चल रहा है। अभी धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से ये पूरा घास जो हमने लगाया था वो सूख रहा था। तो आज सोचा सुबह, अभी रात का लाइट था, रात में 12 बजे आता है और सुबह 8:30 बजे तक चला जाता है, तो इसीलिए हमने आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ के मैंने मोटर स्टार्ट कर दिया था और सुबह सुबह ही पानी लगाना शुरू कर दिया था मैंने। तो ये जो मेरे पीछे जितना भी है उसमें मैंने लगा दिया है, और अभी लाइट चला गया था तो थोड़ी देर घर चला गया था मैं। और ये देखो यहाँ पर अभी पानी कंटिन्यू चल रहा है, ये देखो रेखा को बोला था अच्छे से पानी लगाना, 1-2 क्यारी में मैं आ रहा हूँ, ये ऐसे ही बांध के चली गई है, यहाँ पर पानी जा रहा है दूसरी क्यारी में, तो उसको पानी लगाने में थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, उसको बोलते हैं तो फिर वो ऐसा ही करके। तो अभी फाइनली लाइट जा चुकी है और थोड़ा सा बच गया, 2 क्यारी थी अभी लास्ट, वो अभी नहीं हो पाया तो अभी इसको कल लगाना पड़ेगा। तो एक ये वाली क्यारी है और ये एक जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये दोनों रह गई अभी पानी लगाने के लिए। तो अभी
इनको अभी कल लगाएंगे और मैं चलता हूँ वापस घर। अभी बच गया वो तो अभी कल ही लगाना पड़ेगा, अभी लाइट आएगा नहीं क्योंकि 8:30 बजे का ऐसे भी इसका टाइमिंग है। तो 8:30 बज चुका है तो ये चला गया लाइट अभी, और अभी चलता हूँ मैं वापस घर। और मैं वापिस आ चुका हूँ घर, और ये देखो थोड़ा बहुत काम करके घर आ गई और खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। बना रही हूँ नहा के खाना। तो इन्होंने कुकर में कुछ रखा हुआ है, अंदर सीटी बज रही है, नमक है हमारा। वो खाने के लिए नहीं है, ठीक है, इसको खा सकते हैं। वो पहले खाते थे, पहले खाते थे, अब भी खा सकते हैं। ऐसे मिर्ची में कूट कूट के मिर्ची वाला फल होता है ना, इसमें कूट कूट के ये सब उतने मक्खे ना वो डाल के अच्छे से मिर्ची कूट जाती है, इसमें बहुत अच्छी चटनी बन जाती है। पहले यही यूज होता था, उसके बाद ये फिर आयोडीन ये वो सब आ गया तो फिर अभी उसको यूज़ करने लग गए, अभी नहीं खाते। तो ये हमारे खेत में एक नारियल ही लगी हुई है तो उसका ग्रोथ थोड़ा सा रुका हुआ था तो उसके लिए मैं लेके आया था। देखो इन्होंने किचन में ये कुकर चढ़ा रखा है खाना बनाने के लिए, डाल रखी है मग, तो मग बनाने के लिए इन्होंने लगा रखा है। तो हमारा खाना भी बनना स्टार्ट हो गया है, अभी टाइम हो रहा है 9:45 बज रहा है। तो आज तो सुबह सुबह उठ के चला गया था मैं भी, क्योंकि पानी मेरे को ही लगाना होता है। तो आज हम लोग गए थे अभी थोड़ा बाहर दोपहर में, तो रास्ते में आते टाइम एक तरबूज वाला मिल गया। ये देखो तरबूज लेके आए हैं, कितना है, 3-3-6 तरबूज लेके आए। तो ये डायरेक्ट खेत में से निकाल के बेच रहा था एक जगह पे, तो वहीं पे रुक के हमने खेत में से ही निकलवा के ले आए। तो वो थोड़ा सस्ता देता है, बाकी मार्केट में जाने से बहुत महंगा देता है। तो ये मेरे ख्याल से कितने का है, एक 15 का। हाँ ये एक 15 रुपये का एक दिया है, मेरे ख्याल से ये 2-3 kg के आसपास होगा, नहीं तो ऐसे जाने से 1 kg का 20 रुपये के हिसाब से। तो अभी हम तीनों आ गए, जयमीन भी मामा के घर था, जयमीन को भी लेके आ गए। तरबूज है ये देखो तरबूज बहुत अच्छे हैं। तो अभी इसको हम फ्रिज में रखेंगे फिर आराम से खाएंगे। तो जयमीन भी मामा भी दोपहर में, इन दोनों का कोई काम दाम है नहीं। ये देखो दोनों पहले चीकू खा चुके हैं और अभी ये तरबूज काटा जा रहा है अभी है तो क्या करें, खाने के लिए तो लाए। तो ये अभी तरबूज को काट रहे हैं खाने के लिए, ये लेके आए थे, अभी टेस्ट करते हैं कैसे है। लाल लाल तो दिख रहा है, इसमें बीज बहुत ज्यादा है, पहले बीज में लाए थे उसमें नहीं था। तो ये क्या बोलते हैं, वाटरमेलन बोलते हैं ना इंग्लिश में इसको, तरबूज। हम लोग तरबूज बोलते हैं, खरबूजा किसको बोलते हैं फिर, किसी को बोलते हैं तो ये लेके आए थे, बहुत अच्छा था, प्योर खेत से मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पर तरबूज बहुत ज़्यादा करते हैं अगल बगल में, तो बाहर कहीं भी गाड़ी लेके जाओ तो ये रास्ते में बेचते हुए मिल जाते हैं।
खेत से निकाल के रोड पे, रोड के साइड में लेके बैठते हैं, तो वहीं से हम लोग आज लेके आ गए थे। देखो जैमिन भी आज आया है तो वो भी खा रहा है। कैसा है? वो भी मस्त, दोपहर में इसी को ही खाते हैं। अभी फ्रिज में रख दिया था लाने के बाद, तो अभी ये ठंडा हो गया होगा। इतना ठंडा नहीं हुआ है, कम हुआ होगा अभी तो, आधा घंटा ही हुआ होगा रखे हुए। टेस्ट में कैसा है पता नहीं, टेस्ट में ठीक ही होगा। तो अभी ये देखो पूरा खा गई है तरबूज। और क्या, हम तो इधर ही बैठे हैं और ये तरबूज खा लिया है इन्होंने। जैमिन भी खा के लिखने के लिए बैठ गया है वो भी। और अभी ये थोड़ी साफ सफाई चल रही है, तो तरबूज काफ़ी अच्छा था, टेस्टी भी था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जितने भी आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।